पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद मुरादाबाद में भाजपा नेता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। भाजपा नेता पर अज्ञात भीड़ ने हमला बोला, पुलिस की मौजूदगी में सड़क पर गिराकर बेरहमी से पिटाई की। आपको बता दें कि भाजपा नेता एक शादी कार्यक्रम से घर वापस लौट रहे थे, उसी समय भीड़ ने भाजपा नेता की कार जबरदस्ती रुकवा कर उन पर हमला बोल दिया। भाजपा किसान मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय महामंत्री दिनेश ठाकुर पर भीड़ ने हमला किया और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भाजपा नेता को भीड़ से बचाया और पिटाई से घायल भाजपा नेता का पुलिस ने परीक्षण कराया। भाजपा नेता के चेहरे और शरीर पर चोटों के निशान देखने को मिले। तो वहीं संबंध में सीओ कोतवाली महेश चंद का कहना है कि दिनेश ठाकुर जो किसान मोर्चा के नेता हैं, उनके साथ एक घटना हुई है जिसके संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है। थाना कोतवाली पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है और सीसीटीवी निकालकर इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। ताजपुर माफी से डॉक्टर इब्राहिम के भाई शादी से आ रहा था, मुगलपुरा होते मंडी चौक अमरोहा और चमकापुर से जैसे निकला कोतवाली के सामने से, तो मैं सीधा आराम से चलता हूँ क्योंकि मैं जो छोटी गाड़ी थी मेरे भतीजे की 0909 क्योंकि मेरी गाड़ी बाहर गई थी, मैं उससे जैसी भी नहीं हम की प्याऊ से आगे बढ़ा तो मुझे सब्जी मंडी जो गंज की है वहाँ 3 मोटरसाइकिलों ने मेरी गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया। तो एक बार को तो मुझे लगा कि ये शायद शूटर हैं, मुझे मार देंगे, लेकिन हिम्मत बांध के मैं गाड़ी से निकला। मेरे साथी विशेष कुमार सिंह चौहान एडवोकेट ग्राम बनखरा के थे, मैंने चलो विशेष जो भी होगा देखा जाएगा। जैसे हम उतरे उन्होंने हमको ललकारा, हमने उनको ललकारा और जो है बात आगे बढ़ गई। लेकिन मुझे जान से मारने की नीयत से ये मेरे ऊपर हमला किया गया था जिसमें 35-40 लोग साइड से कहीं छिपे थे, वो भी मेरे पर हमलावर हो गए। वहाँ पिकट से जो सिपाही थे दो वो आए, उन्होंने सेट में फ़ोन किया इस प्रकार सिपाही वगैरह आए, लेकिन वो सिपाहियों से बात नहीं आए और सिपाहियों ने उन पर डंडा चार्ज नहीं किया। इसी पीरियड में और सिपाही आ गए तो हुआ, और जब आखिर में कुछ लोग और आ गए जब उन मुस्लिम समुदाय पर डंडा शुरू हुआ तो वहाँ से छोड़ के भाग गए। और पता नहीं क्या कारण इसके पीछे कौन है क्या है, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ शहर में तो मेरी गाड़ी 35-40 ऊपर नहीं चलती है। अगर कोई कहता कि मैं गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा था या कहीं टक्कर मारी थी तो रात भी गाड़ी मैंने एस पी सी टी सी ओ को सब दिखा दिया, इंस्पेक्टर को, मैंने ये मेरी गाड़ी है कहीं इसमें खुरैच हो, अगर एक्सीडेंट होगा तो आगे से गाड़ी टच होगी, लेकिन किसी षड्यंत्र की तरह मेरी जान से मारने की नीयत से मुझ पर हमला किया गया था। ये समुदाय हैं जो मैं आने पर सबको पहचान लूँगा, एक को मैंने रात पहचान लिया फुटेज में, शेष फुटेज अभी सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब मुझसे कह रहे हैं मैं दिखाएंगे आपको, मैं बताऊँगा, लेकिन मेरी जान को खतरा है इतना मैं कहना चाहता हूँ। क्या मानते हैं इसको, इस तरह का घटना हुई आपके साथ? बदनाम करना क्या, एक तरह से देखा जाए तो राजनीति भावना या कल आजम खान छूटे थे उसके तहत में लोग उत्साहित थे और हो सकता है कि उत्साहित में मुझे पहचानते हैं और उन्होंने मुझे हमला किया होगा, ये भाजपा का मार दो। आपकी सरकार आपके ऊपर हमला हो रहा है? मेरी सरकार है, सरकार अभी जांच कर रही है और जो होगा निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, मुझे विश्वास है, मुझे प्रशासन विश्वास है, सरकार विश्वास है और स्वयं पर इतना विश्वास है कि मैं कभी दाएं बाएं की बात नहीं करता हूँ। मेरे जीवन में सार्वजनिक जीवन में कभी मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूँ और मैं वैसे भी बेबाक बोलने वाला हूँ, सही को सही और गलत को गलत। रात एसपीसी साहब एक अफवाह हो रहे कि आप शराब पिए हुए हैं, कि एक अफवाह है एक तरह की? मेरी राज डॉक्टरी हुई है, अगर मैं शराब पिए होता और पुलिस के साथ बैठा था तो पुलिस से कहती शराब पिए हुए भी अभी डॉक्टरी लिखी है शराब की भी करा लो, रात मेरी सारी डॉक्टरी हुई है तो उसमें अल्कोहल आना चाहिए ना, अल्कोहल आना चाहिए। दूसरी बात, मुझे कोई आदमी सार्वजनिक उस पर शराब पीता दिखा दे या मुझे दिखा देगा ये आम लोगों घूमता शराब पी के तो हम राजनीति छोड़ देंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।